और विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर सांदीपनी गुरुजन सम्मान समारोह समिति ने निजी स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया है। शिक्षकों का सम्मान समारोह इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में नंबर वन साइकिल गुरु के नाम से जाने जाने वाले आदित्य कुमार ने शिरकत की। आदित्य कुमार पिछले 12 सालों से भारत को साक्षर बनाने के आंदोलन में करोड़ों बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चों को साक्षरता अभियान के माध्यम से जोड़े। इंदौर में आयोजित सम्मान समारोह में 11 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रदेश के कई हिस्सों से प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मान कर रहे हैं, 11 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं और ये जो है मध्य प्रदेश के सारे जो है चयनित शिक्षक हैं। और इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनके शिक्षकों का सम्मान सामान्य तौर पे कोई भी नहीं करता है। और जैसे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स का सम्मान हर साल नहीं है तो सरकार करती है, कुछ नहीं तो उनके तनख्वाह बढ़ा के भी उनका सम्मान होता है, पर इन प्राइवेट शिक्षकों का सम्मान कोई भी नहीं करता है। सेम टाइम ये क्या नाम मध्य प्रदेश में ना काफ़ी घूमा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में इधर जो मैंने इलाके घूमे हुए हैं आदिवासी रह रहे हैं, शिक्षा की जरूरत है मध्य प्रदेश में बहुत। और अभी कुछ आने वाले समय में हम इधर पूरा मध्य प्रदेश जिला बाई जिला भ्रमण करेंगे, जहाँ हमको 100-200 बच्चे मिलते हैं वहीं एक साल के लिए क्लास लगवाएंगे, उनको बिल्कुल परफेक्ट बना करके स्कूल भेजें। आज का सांदीपनी विशिष्ट गुरुजन सम्मान समारोह जो है वो 12वां संस्करण है और मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है पिछले 12 वर्षों से। इसमें हमारे जो मेंटोर जिन हमारे बीच नहीं उनके स्मृति में 11,000 रुपये का इन्हें एस के जोशी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान शुरू किया है जो आज सत्य साई स्कूल की प्राचार्य पुनीता नेहरू जी को।